जिला मुख्यालय पर पिछले 6 माह से कार्तिक भील उर्फ कांतिलाल उसके परिजनों द्वारा जिला मुख्यालय पर उसकी जो हत्या हुई थी, उस हत्या के जो दोषी लोग थे, जो मुलजिम थे, उनको गिरफ्तारी को लेके और अन्य मांगों को लेके उनके परिजनों द्वारा सिरोही जिला मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहूँगा कि ये सरकार एक संवेदनशील सरकार होने का दावा करती है। ये सरकार गरीबों के ST SC OBC के हितों की बात करती है, लेकिन मुझे दुखी होकर बताना पड़ रहा है कि पिछले 6 माहों से ये घटनाक्रम, एक कार्तिक भील जो सिरोही का, इसके साथ 19 दिसंबर 2022 को मारपीट हुई, 8 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और इलाज के दौरान 1 जनवरी 2023 की इसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद से उन मुलजिमों के गिरफ्तार को लेके उससे पहले इस व्यक्ति ने कई थानों में, जैसे कि शिवगंज थाना है, सांडेला जो पालिका थाना है, उस थाने में उन्होंने मुकदमा रिपोर्ट दी थी कि मेरे जान का खतरा है, लेकिन पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की और अंत में उस आदमी को जान गंवानी पड़ी। आज मुख्य विषय यह है कि वो धरना दे रहे हैं, तो मैं सरकार आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि उसकी डेथ होने के बाद सामाजिक संगठनों द्वारा, हमारे द्वारा, वहाँ के स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधि द्वारा वहाँ धरना दिया गया और मुख्य मांग रखी थी कि एक मकान जो है उसका 1970 के आसपास उसका मकान बना हुआ, 1980 में विद्युत कनेक्शन है। एक तरफ सरकार गांवों के संग, प्रशासन के संग, शहरों के संग पट्टे देने का दावा कर रही है, लेकिन 1970 से जो मकान बना हुआ है उस मकान का अभी तक पट्टा नहीं मिला है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि एक डेलीगेशन बने, उस परिवार की जो मांगे हैं इन मांगों को माना जाए और मांग के जो सम्मानजनक, क्योंकि एक महिला और उसके जो छोटे बच्चे और उसका बुजुर्ग बाप आज भी जिला कलेक्टर के बाहर सिरोही जिला मुख्यालय से 6 महीनों से तड़प रहा है माँ, तो उनकी मांगों को मानते हुए उनकी मांग पूरी करे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद।